सो हेलो गाइस, आए तो गाइस कैसे आप हो? तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा वॉस इज सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई एजुकेशनल साइड। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में मिनरल एलिमेंट और इसका कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम के बारे में डिस्कस कर चुके थे, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे, दैट इज नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म। तो गाइस नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म कैसे होती है और क्या इसका प्रोसेस होती है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और सारे के सारे आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जितनी भी हो सके आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, और नेक्स्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नियरली 78% ऑफ अर्थ एटमोस्फियर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंटरी नाइट्रोजन, जो कि एन ट्रिपल बंड एन होती है, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आपको पता है गाइस, जो कि टोटल अर्थ एटमोस्फेयर के 78% जो होती हैं नाइट्रोजन होती हैं, जो कि ऑलवेज एन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। बट मोस्ट प्लांट आर अनेबल टू यूटिलाइज इट इन इट्स एलिमेंटरी फॉर्म। और गाइस एटमोस्फेयर में जो होते हैं गाइस नाइट्रोजन, वो एलिमेंटरी फॉर्म में होते हैं, जो गाइस डिफरेंट प्लांट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गाइस इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे हैव टू डिपेंड ऑन द सॉयल टू एक्वायर नाइट्रोजन इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, आइदर एज नाइट्रेट जो कि NO3 माइनस और अमोनियम जो कि NH4 प्लस कंपाउंड्स। तो गाइस इसीलिए ये जो प्लांट ऑर्गेनिज्म जो गाइस हमारी एलिमेंटरी फॉर्म नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, ये सॉयल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सॉयल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको नाइट्रेट और अमोनियम इस कंपाउंड के फॉर्म में ऑब्जर्व करके ये यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैन डायरेक्टली यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बट गाइस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी सारे होते हैं गाइस, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि इस एलिमेंटरी फॉर्म में होते हैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन गाइस नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट रिक्वायर फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली नीडेड बेयरली फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप। और गाइस ये जो नाइट्रोजन है ये एक तरह सा इम्पोर्टेंट एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट होती है, जो कि प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होती है इसका नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो कि प्लांट्स की, और स्पेशली जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इंक्लूड बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस फॉर्म करती है, जो कि एनाबॉलिक क्या होती है गाइस, ये सिंथेटिक प्रोसेस होती है, गाइस कैटाबॉलिक ये कंस्ट्रक्टिव मतलब जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो गाइस एनाबॉलिक प्रोसेस में कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं और कैटाबॉलिक प्रोसेस में कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं देख सकते हैं आप। तो गाइस एनाबॉलिक में आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड, एंजाइम सिंथेसिस, ये आते हैं। बल्कि गाइस हमारे कैटाबॉलिक प्रोसेस में नाइट्रिफिकेशन, देन ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 टू NO3 माइनस, देन डी नाइट्रिफिकेशन, देन और भी कुछ है देखते हैं, देन प्रोटोलिसिस जो कि ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, देन अमीनो एसिड ब्रेकडाउन, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सो गाइस द नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक एलिमेंटर नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन इंटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगेन गाइस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक एलिमेंटरी नाइट्रोजन जो कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन में रहती है इंटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है गाइस। सो गाइस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि इस एलिमेंटरी फॉर्म में रहती है उसको हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्जन जो होती है गाइस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट गाइस ये जो होते हैं गाइस द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू यूजेबल एलिमेंटरी नाइट्रोजन, सॉरी गाइस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि गाइस एलिमेंटरी फॉर्म में रहता है इंटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड सो दैट ऑल द प्लांट्स कैन यूज इट, दैट्स इट।
तरीके से नेक्स्ट, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन इज वन एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजीली रिस विथ अदर केमिकल। तो गाइस नाइट्रोजन होते हैं गाइस ये एक इनर्ट गैस होते हैं गाइस, ये इजीली किसी और के केमिकल में ये रिएक्ट नहीं करती है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री ऑफ नाइट्रोजन एटम फ्रॉम देयर ट्रिपल बॉन्ड एटॉमिक फॉर्म। बट गाइस नाइट्रोजन फिक्सेशन जो गाइस फ्री ऑफ होते हैं ये नाइट्रोजन एटम की जो होते हैं गाइस, ये क्या करती है गाइस ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करती है जो कि एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, जो कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन होती हैं गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, देन नेक्स्ट इसका टाइप्स देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। देर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दो तरह सा नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हैं, जैसे गाइस नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट देखते हैं नॉन बायोलॉजिकल और फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखते हैं गाइस फर्स्ट नॉन बायोलॉजिकल और फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द लाइटनिंग इनटू एटमॉस्फेयर, इट अकर इन थ्री स्टेप। सो गाइस फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होते हैं कैसे कब यह टेक्स प्लेस होती है, जो कि लाइटनिंग के दौरान जो कि एटमॉस्फेयर में, और गाइस ये तीन तरह का स्टेप में कंप्लीट होती है। तो गाइस जैसे कि फर्स्ट वन देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 2NO हो गई, देन गाइस 2NO ऑक्सीजन 2NO2, देन गाइस 2NO2 प्लस H2O HNO2 एंड HNO3, देन गाइस नेक्स्ट जो प्रोसेस है HNO3 प्लस सॉल्ट नाइट्रस सॉल्ट, ठीक है। तो गाइस इस तरह से ये फॉर्म होती है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर होती है इस प्रोसेस में, जो कि नॉन बायोलॉजिकल होती है। देन इसका एग्जांपल भी देखा है आप देख सकते हैं HNO3 प्लस सी एस सॉल्ट किप्स राइट टू CNO2 मतलब कैल्शियम सॉल्ट। द फिजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज अराउंड 35 ग्राम, इज अराउंड 5 to 10% ऑफ द टोटल नाइट्रोजन फिक्स्ड, जो कि बहुत ही कम मात्रा में इस प्रोसेस में, जो कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ही कम मात्रा में कम क्वांटिटी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। देन गाइस नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि गाइस बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर होती है आई थिंक। देखते हैं गाइस, सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हेन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मॉलिकुलर नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड द प्रोसेस नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब गाइस सिंपली मैं कह सकता हूँ आपको, जिस प्रोसेस में गाइस हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और गाइस हमारी एलिमेंट्री नाइट्रोजन जो होते हैं गाइस इसको यूटिलाइज होने का काबिल बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिंपली हम कह सकते हैं गाइस जिस प्रोसेस में, जिस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट, द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आर मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गाइस वो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो नहीं होते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज डाइअज़ोट्रोफ, जिसको गाइस डाइअज़ोट्रोफ भी बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द प्रोकैरियोट्स हैव एक्वायर द कैपेसिटी टू रिड्यूस द नाइट्रोजन टू NH3। जैसे गाइस प्रोकैरियोट्स जो होते हैं गाइस ये एक कैपेसिटी एक्वायर करते हैं, जो गाइस कैसे, जो कि नाइट्रोजन को ये NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। द प्रोसेस बीइंग गवर्न्ड व्हाट सॉल्ट चेंज कॉल्ड नाइट्रोजेंस। और गाइस ये जो होते हैं ये प्रोसेस एक किस दौरान होती है, एक सॉल्ट जीन्स के मदद से होते हैं, जिसको गाइस नाइट्रोजेंस भी बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, सॉरी गाइस नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, इसकी मदद से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और अकर होती है, टेक्स प्लेस होती है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अकर बाय टू मेथड, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होते हैं गाइस ये अगेन गाइस दो तरह से क्लासीफाई हुए हैं, जिसके फर्स्ट प्रोसेस में ये नॉन सिम्बायोटिक और असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन सेकेंड प्रोसेस में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसे दो तरह से होती हैं।
सो गाइस आज की क्लास को हम देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का दो टाइप्स, जो इसकी नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसको हम डिटेल में उसके नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो गाइस उस पल तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।